हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में और एक नए रेसिपी के साथ। मैं दीपाली, आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं लेके आई हूँ पपीते की रेसिपी, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। पपीता जो है हमारे स्किन और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पपीता में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में हमारा मदद करता है और पेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, जो हमारे पेट की समस्याओं को भी चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने पपीते को धो लिया है और इसे कट कर लिया है। इसके हम छिलके उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, छिलके जो हम उतारेंगे, इसको थोड़े मोटे मोटे ही निकालना है। जो इसका हरा भाग है उसे भी हमें इसे हटा देना है, क्योंकि जो हरे वाले भाग होते हैं वो थोड़ा कड़वापन होता है, इसीलिए हमें इसे हटा देना है। तो पपीते का जो पत्ता होता है ना, वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो हमारे प्लेट डाउन हो जाते हैं, इसके पत्ते का रस पीने से उसकी प्लेट की जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। तो चलिए, ये हुई हमारे फ़ायदे की बातें। अब हम रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने देखे 3 आलू भी लिया है, जिसको मैंने धो लिया है। उसके बाद मैं छील लूँगी सारे आलू को। तो आलू को भी मैंने छील लिया है। तो चलिए, अब सारे छिलके को हम हटा लेते हैं साइड में। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, आलू को इस तरीके से हमें बीच से कट कर लेना है। इसके बाद हमें और एक पीस इसका कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम बीच में से और एक टुकड़ा तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें टुकड़ों में सारे आलू को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पपीता जो है हमारे पेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जब हमारे पेट में कब्ज हो जाते हैं ना, पेट में मरोड़ सी होती है, तो आप पपीते को उबाल के अगर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ नमक डाल के, तो हमारे पेट के लिए ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो देखिए, दूसरे आलू को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी पपीते के बारे में और कौन कौन सी जानकारी पता है, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि कुछ जानकारी हमें और भी मिल सके तो हमें अच्छा लगेगा। आप सब पपीते की रेसिपी किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पपीते को भी कट कर लेना है। पपीते को पहले हम कट कर लेंगे, फिर इसके जो बीच वाले भाग होते हैं ना, जिसमें बीज होती है, उसके परत को भी हमें निकाल लेना है इस तरीके से। आज जो हम पपीता बना रहे हैं, इसमें एक भी बीज हमारा नहीं निकला है, इसीलिए बीज का तो खैर कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से हमें इसे कट कर लेना है सारे टुकड़े को। आलू का पीस हमें बड़ा रखना है, पपीते का पीस हमें थोड़ा सा छोटा रखना है। इसी तरीके से हमें सारे सब्जियों को कट कर लेना है। देखिए, मैंने कट कर लिया है और इसे मैंने धो लिया है। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ खड़े मसाले फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने काली मिर्च ली है 8 और हरी इलायची ली है मैंने 2, एक बड़ी इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और मैंने कुछ मूँगफलियाँ ली है। इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। जब फ्लेवर आने लगे तब हमें इसमें डाल देना है 2 टमाटर। तो फ्रेंड्स, मैंने मीडियम साइज का ही 2 टमाटर लिया है। इसी तरीके से हमें साबुत ही इसमें डाल देना है, ताकि जब हम इसका मसाला तैयार करें, इसका कच्चापन ना रहे और जो टमाटर के छिलके हैं वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्च और अदरक का 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है, वो भी हमें इसे डाल देना है। अच्छे तरीके से हमें 1 से 2 मिनट तक ही इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी पे मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बिना लहसुन प्याज का ही आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी पपीते की रेसिपी तैयार की है, बिना लहसुन प्याज का ही सबको पसंद आती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी बिना लहसुन प्याज का ही शेयर किया है। तो देखिए, सारे मसाले को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें निकाल लेना है, एक छन्नी की मदद से हमें सारी चीज़ों को निकालना है, तेल बिल्कुल ना आए इसमें। इस तरीके से हमें सारे मसाले को निकाल लेना है। तो पैन को हम गैस पे ही रहने देंगे, थोड़ा सा तेल और डाल देंगे इसमें हम। 2 से 3 चम्मच लगभग तेल हमें इसमें और ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें
डाल देंगे। कटे हुए जो आलू हैं वो हमें इसमें डाल देना है। पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। तो सारे आलू को हमें डाल देना है इसमें। कुछ नमक के साथ हमें इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, आलू और पपीता दोनों को अलग अलग ही हमें तैयार करना है। पपीता देर में गलती है और आलू जल्दी गल जाता है, इसीलिए हमें आलू को पहले फ्राई करके निकाल लेना है और पपीते को हमें बाद में देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वक्त की कमी हो तो आप आलू और पपीता दोनों को ही एक साथ में ही डाल सकते हैं। जिस तरह मैं तड़का लगाऊंगी आगे, उसी तरीके से आप आलू और पपीता दोनों साथ में ही डाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आलू के पीसेस को आपको बड़ा रखना है और पपीते के पीसेस को आपको छोटी करनी है, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बन पाएगी। तो देखिए, आलू फ्राई हो चुका है, इसको हमें इसी स्टेज तक फ्राई करना है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो सारे आलू को हमें इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में। तो चलिए, इसे सारे साइड में निकालते हुए, हमें और तेल इसमें नहीं डालना है, इतना तेल काफ़ी है आज की रेसिपी के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तड़का के लिए लिया है 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मैंने लिया है जीरा जो नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और 1/4 चम्मच मैंने लिया है पचफोरन। तो पचफोरन फ्रेंड्स आमतौर पे बहुत लोग तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये बारीकी से शेयर करूँगी। तो देखिए, कटे हुए सारे पपीते को हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी हमें सेम उसी तरीके से पहले ब्राउन होने तक भून लेना है, जिस तरीके से मैंने आलू को फ्राई किया था। इसमें भी हम चम्मच से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच लगभग मैंने नमक डाला है। तो फ्रेंड्स, सब्जी आप जिस क्वांटिटी में लें उसी हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल करें। तो देखिए, इसे भी हम चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के पकाना है, क्योंकि पपीता सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमें इसे ढक के पकाना है, वो भी मीडियम गैस पे, क्योंकि हमें इसमें पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। तो चलिए, इसे ढक देते हैं। तब तक ये होता रहेगा, तब तक हम इसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, एक मैंने मिक्सर जार लिया है, टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं सारे जो मैंने फ्राई किए थे मसाले, वो हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल, जो सफ़ेद वाली तिल आती है ना, वो हमें डालना है। इसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में, देख लेते हैं पपीता हमारा कितने हद तक पक चुका है। तो देखिए, पपीता हमारा पक चुका है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, इसी स्टेज तक हमें पकाना है। देखिए, देख सकते हैं, इसी स्टेज तक हमें पपीते को पकाना है। कल इसका चेंज हो गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसी स्टेज तक पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाला थोड़ा थिक है, इसीलिए हम इसे चम्मच की मदद से ही इसके अंदर डालेंगे, देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मसाला जब आप पीस रहे हो, अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इस दौरान थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली ना खाना चाहो तो आप इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मूंगफली या फिर काजू हम इस्तेमाल करते हैं इसका टेस्ट को और बढ़ाने के लिए और ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। तो थोड़ा सा पानी हमें मिक्सर में डालना है और इसको मिक्स करते हुए हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि मसाला हमें वेस्ट नहीं करना। तो चलिए, इसे हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं चम्मच से हिलाते हुए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने इस्तेमाल किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरा मिर्च का इस्तेमाल किया है। और पपीते की रेसिपी आप जब भी बनाएं तो हरे मिर्च का ही इस्तेमाल करें, लाल मिर्च इसमें ना के बराबर ही डालें तो सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें बहुत कम किया है। और फ्रेंड्स, पपीते का जब हम रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, तो इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ज़्यादा डार्क हल्दी इसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि पपीते की सब्जी जो है वो लाइट कलर की ही बनती है। तो फ्रेंड्स, इसे हम ढक के पकाते हैं कुछ देर तक। देखिए, मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिए कि पपीते की जो सब्जी है ना, वो लोहे की कढ़ाई में
और पीतल के कढ़ाई में बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि वो पीतल के कढ़ाई में या फिर लोहे की कढ़ाई में, वो अपना जो एक लोहे की कढ़ाई में हम बनाएंगे तो वो कालापन जो होता है वो छोड़ता है आयरन, और अगर पीतल के कढ़ाई में बनाते हैं तो वो पितला जाता है, जिसको हम लोग पितलाया हुआ बोलते हैं, तो उसका जो सब्जी का टेस्ट है ना वो एकदम बिगड़ जाता है। इसीलिए जब भी आप बनाएं इसे स्टील के कढ़ाई पे बनाएं या फिर नॉर्मली जो हम लोग एल्युमिनियम का कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाएं, तो इस तरीके से हमें इसे चला लेना है। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इसमें गर्म पानी, आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडा पानी डालने से ये जो रेसिपी का टेस्ट है वो फीका हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, जिस तरह का पानी हम दाल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो पानी मैंने इसमें लिया है 1 गिलास से थोड़ा सा कम, जो गिलास पानी पीने वाला होता है उसी गिलास से लिया है। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसे पकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और टेस्टी इतनी बनती है कि बच्चे भी खा लेते हैं बहुत ही चाव से, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। सब्जी हमारा पक्के हो गया है तैयार, थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे, इसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाले जो लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें, देखिए पपीता एकदम गल गया ना, तो इस तरीके से हमें चलाते हुए पका लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चीनी। तो फ्रेंड्स, चीनी जो हम डाल रहे हैं ये आप लोग चाहो तो डालो, वरना स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये कोई एकदम देना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स, देसी घी और गरम मसाला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग आता है, लास्ट में आप ये जरूर से डालें। बिना प्याज लहसुन के सब्जी में कोई भी सब्जी हो आप उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है खाने में। रोटी, चावल, पराठे के साथ आप इस रेसिपी को ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए, सब्जी हमारा बन के हो गया है तैयार, ढक के हम इसे रख देंगे 1 मिनट तक सेट होने के लिए। इसको हमें अब नहीं पकाना है गरम मसाला और घी डालने के बाद, हमें गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देना होता है 1 मिनट के अंदर। तो सब्जी हमारा सेट हो चुका है, देखिए इसके साथ मैंने बनाया है गर्मा गर्म रोटी। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोग भी बनाते रहें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।